द ओनली वे टू अवॉइड हेल इज टू एक्चुअली बिलीव इन आफ्टर लाइफ फर्स्ट, तभी तो तुम अवॉइड कर पाओगे हेल को. तो ये बहुत सही तरीके से लॉस एवर्स वाला जो ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये फियर टैक्टिक को यूज किया टू मेक पीपल बिलीव इन रिलीजन एंड बिलीव इन गॉड. सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूं, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूं. You know, I have always been very fascinated by religion. कि religion आया कहाँ से और क्यों आया है. इसके origin जानने के लिए बहुत सारे aspects हैं जो हमें explore करने पड़ेंगे. Obviously, एक video में वो possible नहीं है. But इसका एक aspect जो कि है इसका moral aspect को मैं थोड़ा सा explore करूँगा. तो इसमें story समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा हमें story line में. जब हम hunters और gatherers थे, कुछ 18 लाख साल के लिए हमने यही किया, शिकार किया. हम सबसे पहले रहते थे bands में, मतलब गुट, मतलब 10 से 50 लोगों के बीच का गुट होता था जो साथ में रहता था. और ये इट मेड सेंस बिकॉज 10 से 50 लोगों को सस्टेन करना वॉर ईजियर देन 1000 लोग या 2000 लोग. एक बार ऐसे दिन भी जाते थे जब तुम्हें शिकार नहीं मिलता था, काफ़ी सारे दिन तुम्हें भूखे पेट रहना पड़ता था. तो यही अगर 500-600 लोग साथ में रह रहे होते तो बहुत मुश्किल होता इन सबको सस्टेन करना. और 10 से 50 लोगों के बीच में सब एक दूसरे को जानते भी थे, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम भी नहीं थी, तो कोई झगड़ा फसाद भी नहीं होता था. और अगर हो भी जाता था उसको रिजॉल्व करना ईजियर होता था. हल्के हल्के वी स्टार्टेड फार्मिंग, वी स्टार्टेड सेटलिंग डाउन. और जैसे ही ये सेटल होने लग गए, हमें एक बहुत फ़ायदा हुआ कि जो इनसिक्योरिटी थी खाने पीने की, वो ख़त्म हो गई. अब हमें पता है सामने खाना उग रहा है, फार्मिंग हो रही है, तो खाना तो मिलेगा ईयर राउंड. और अब हमें वो डर भी नहीं है कि हमें शिकार करने जाना है, स्ट्रॉन्गर प्रेडेटर से लड़ना ना पड़े, वो हमें ना मार दे. लोगों ने बच्चे पैदा करना शुरू कर दिया, क्योंकि अब उन्हें पता था कितने भी बच्चे पैदा कर लो, पाल लेंगे, फार्मिंग से खिला लेंगे सबको. हल्के हल्के हमारा साइज बढ़ने लग गया. वो जो 10 से 50 लोगों का बैंड था वो एक ट्राइब बन गया, ट्राइब से चीफडम बन गया, चीफडम से आज हम जी रहे हैं स्टेट्स में जिसमें करोड़ों लोग साथ में रह रहे हैं. अब यहाँ के फायदे तो बहुत है, पर एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ कि इतने सारे लोग जब साथ में स्ट्रेंजर्स रहते हैं तो बहुत क्लैश और बहुत कॉन्फ्लिक्ट होता है, बहुत झगड़ा फसाद होता है. बहुत ज़रूरी था एक ऐसी एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी का जो हम लोगों को कंट्रोल कर सके, सो दैट वी कैन लिव पीसफुली टुगेदर. और इसीलिए बनी गवर्नमेंट बॉडीज़, जिन्होंने एडमिनिस्टर करना शुरू किया, कंट्रोल करना शुरू किया हमारी इतनी बड़ी बड़ी पॉपुलेशंस को, कि साथ में पीसफुली रह सके. इसके लिए उन्होंने एक लॉ बनाया. लॉ के थ्रू वो लोगों को मॉरली और एथिकली एक्ट कराने में अप्रिशिएट करते थे. कई सारे लोगों ने फॉलो नहीं किया लॉ, फिर लॉ एनफोर्सर्स बनाए, जैसे पुलिस, जैसे आर्मी. अगर तुम फॉलो नहीं करोगे लॉ तुम्हें डंडा पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो लोग वो फॉलो करने लग गए. बट एक पुलिस कितने लोगों को देख सकती है, घर घर में जाके थोड़ी ना देख सकती है कि लोग मॉरली एक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं. चार दीवारी के अंदर क्या होता है तुम्हें क्या पता, उसके अंदर मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, लोग ऐसे ही छुप के ही करते हैं ना, तो बाहर तो पता लगेगा नहीं. यहाँ पे एंट्री होती है पहली बार रिलीजन की मॉरल एस्पेक्ट में, कि देखो भगवान है जो तुम्हें देख रहा है हमेशा 24 घंटे. तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें कोई देख नहीं रहा, तुम अकेले भी हो कमरे में तब भी तुम्हें भगवान देख रहा है. और अगर तुम ये जगह छोड़ के किसी भी जगह चले जाओ जहाँ पर यहाँ का लॉ नहीं लागू होता, तो वहाँ पर भी भगवान है, क्योंकि भगवान तो यूबिकेटस है, वो तो हर जगह है. तो तुम कहीं भी बच के भाग नहीं सकते, तुम्हें मॉरली एक्ट करना ही चाहिए. बट फिर कई सारे लोग थे, उन्होंने बोला यार जिंदगी है ही कितनी, 50, 60, 70, 80 साल, ज़्यादा से ज़्यादा खींच के 100 साल जिंदगी जी लेंगे ना, तो क्या ही फर्क पड़ता है. जब हमने मर ही जाना है एट द एंड ऑफ द डे, तो हम कुछ भी करें यहाँ पे, भगवान हो ना हो हमें फर्क ही नहीं पड़ता. फिर कॉन्सेप्ट बनाया रिलीजन ने ऑफ आफ्टर लाइफ. और आफ्टर लाइफ के और भी बहुत सारे रीजंस हैं क्यों आफ्टर लाइफ का कॉन्सेप्ट बना, बट दिस वॉज वन ऑफ देम. कि देखो यू आर नॉट बाउंड टिल द टाइम दैट यू स्पेंड हेयर ऑन अर्थ इन योर वेकिंग लिविंग लाइफ. बिकॉज अगर तुम इसमें इमोरली एक्ट करोगे तो आफ्टर लाइफ में तुम्हें हेल मिलेगा, और वहां पर तुम्हें तला जाएगा, पकौड़ा बनाया जाएगा तुम्हारा. नोबडी लाइक्स कि उसका कोई पकौड़ा बनाए. तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा फियर टैक्टिक यूज़ हो रहा है. बहुत उम्दा तरीके से रिलीजन ने फियर टैक्टिक को यूज़ किया, क्योंकि देखो हम इंसान रिस्क एवर्स लोग हैं, लॉस एवर्स, मतलब वी प्रेफर अवॉइडिंग लॉस ओवर एक्वायरिंग एन इक्वल अमाउंट ऑफ गेन. अगर तुम 500 रुपए जीतते हो जुए में, गैम्बलिंग में, तो उसकी इतनी खुशी नहीं होती जितना दुख होता है 500 रुपए लूज करने का. अगर तुम पैसा कमा रहे हो, तुम्हें धंधा करना है, तुम्हें जॉब पे जाना है, तो वो इसलिए नहीं है कि तुम बिलियनर बन जाओ, बट इसलिए ज़रूर है कि कहीं तुम रोड पे ना जाओ, उसका डर ज़्यादा है. तुम्हें ज़िंदगी की खुशी है तो उससे ज़्यादा मौत का डर है. तुम्हें अपनी लाइफ कितनी लंबी है उसकी इतनी नहीं पड़ी, पर इसकी ज़रूर पड़ी है कि तुम मर ना जाओ कल, मौत जल्दी ना आ जाए. डर से भागना चाहते हैं, बस वो ना हो, बस खतरा ना आए.
और इसीलिए हेल का कॉन्सेप्ट आया कि देखो तुम अच्छा करो तुम्हें अच्छा मिलेगा नहीं मिलेगा तुम मत विश्वास करो उसमें, लेकिन अगर तुम बुरा करोगे तो वही तला जाएगा तुम्हें, और वो डराने के लिए इनफ था लोगों को। बिकॉज देयर इज मोर रिस्क इन नॉट बिलीविंग इन आफ्टर लाइफ। अगर तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव करते हो और तुम जब मरते हो तो आफ्टर लाइफ कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती और तुम भी एग्जिस्ट नहीं करते हो तो क्या फर्क पड़ता, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अगर तुम आफ्टर लाइफ में बिलीव नहीं करते हो एंड इट टर्न्स आउट कि मरने के बाद आफ्टर लाइफ है, देन अगेन यू विल गो टू हेल और फिर वो तले जाओगे द होल बिजनेस। सो द ओनली वे टू अवॉइड हेल इज टू एक्चुअली बिलीव इन आफ्टर लाइफ फर्स्ट, तभी तो तुम अवॉइड कर पाओगे हेल को। तो ये बहुत सही तरीके से लॉस एवर्स वाला जो ह्यूमन साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, ये फियर टैक्टिक को यूज़ किया टू मेक पीपल बिलीव इन रिलीजन एंड बिलीव इन गॉड। एज एन एथीज मैं इस चीज़ को अप्रिशिएट कर सकता हूँ कि ये वॉज सपोज टू मेक पीपल एक्ट मॉरली, मतलब देयर इंटेंट वॉज गुड इन द बिगिनिंग, बट वो अलग बात है कि अभी इतने सारे रिलीजन है सब आपस में लड़ रहे हैं और बहुत इमोरली एक्ट कर रहे हैं, तो वो जो पूरा स्टार्टिंग का रीज़न था वही अब बचा नहीं है, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई आई क्रिटिसाइज रिलीजन। साथ ही साथ में रिलीजन ये भी अज्यूम करता है कि अगर डंडा ना देखे, अगर डांट का डंडा ना देखे, पनिशमेंट ना देखे, हेल ना देखे लोगों को, तो लोग मॉरली एक्ट नहीं करेंगे। मतलब हम इंसान इनहेरेंटली मॉरल नहीं है, हमें जब तक कोई डराता नहीं है तब तक हम गलत काम करते रहेंगे। एंड यू नो वट, आई डू नॉट डिसअग्री विद दैट, आई डू बिलीव कि हाँ डर से हम लोग ज़्यादा बेटर एक्ट करते हैं। आई जस्ट लाइक टू सेट माई पर्सनल बायस असाइड एंड सी रिलीजन फॉर वट इट इज़ एंड हाउ इट ओरिजिनेटेड, एंड इट इज़ क्वाइट फैसिनेटिंग। दिस इज़ वाई आई बिलीव इंसानों की ज़िंदगी में रिलीजन आया उनको सुधारने के लिए एक डंडा दिखा के, और उसने बहुत सही काम किया काफ़ी टाइम तक, बट क्या वो अभी भी वही काम कर रहा है, आई डोंट नो, यू हैव टू बी द जज ऑफ दैट। मैं क्वेश्चन करता हूँ तभी तो मैं इंसान हूँ, सवाल जो मैं पूछूं तभी तो मैं इंसान हूँ, दुनिया को मैं जवाब दूं तभी तो मैं भगवान हूँ।